दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्स किस चीज के बने होते हैं तो आप सभी का जवाब होगा कि तारों की संरचना हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से होती है, राइट? मगर क्या आपने कभी किसी ऐसे स्टार के बारे में सुना है जो बिना हाइड्रोजन के बनता हो? वेल, हाँ यार, सुनने में भले ही नामुमकिन लगेगा मगर ऐसे स्टार सच में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ इससे ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि बिना हाइड्रोजन वाले ये स्टार बाकी लगभग सभी स्टार्स के मुकाबले ना सिर्फ ज्यादा गर्म होते हैं बल्कि इनकी रोशनी भी अलौकिक होती है, जिससे इनका कंपैरिजन किसी और से किया ही नहीं जा सकता। मगर दोस्तों, सवाल ये आता है कि अगर इन स्टार्स में हाइड्रोजन होता ही नहीं है तो हाइड्रोजन की जगह इनके स्ट्रक्चर में कौन लेता है? आखिर ये बाकी सभी स्टार से ज्यादा ब्राइट क्यों होते हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने से इन पर क्या असर पड़ेगा? वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं ब्रह्मांड के एक रहस्यमयी सितारे की सैर पर। दोस्तों, ये स्टार जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके आसपास का नेबुला काफी ब्राइट लग रहा होगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टार नहीं है बल्कि इस कैटेगरी के स्टार का नाम है द वुल्फ रायट स्टार, जिसे एब्रीविएशन में WR भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होती नहीं है, और अगर होती भी है तो इतनी कम मात्रा में कि उसे नोटिस करना भी मुश्किल होता है। अब यार, इनमें और एक नॉर्मल स्टार में अंतर ये होता है कि जिस तरह से एक नॉर्मल स्टार गैसेस को एमिट करता है और उसके चारों तरफ प्लाज्मा का सैलाब उमड़ता रहता है, उसी तरह ये बेसिकली आयोनाइज्ड स्टार्स होते हैं। इनके चारों तरफ हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन के हाईली चार्ज्ड आयंस एमिट होते रहते हैं, जिस वजह से इनकी ब्राइटनेस को मैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, इसके अलावा गैसेस से ज्यादा सुपीरियरली आयनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस कारण इनके चारों तरफ स्टेलर विंड्स ट्रिगर होती रहती है, और इन्हीं आयंस के ग्लो की वजह से ये इतने ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं। नाउ, यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट। इन वुल्फ रेड स्टार्स का सरफेस टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस से 2,00,000 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करता है, जो कई बार इसे यूनिवर्स के कुछ सबसे पावरफुल स्टार से भी ज्यादा गर्म बना देते हैं। अब दोस्तों, वैज्ञानिक इन्हें यूनिवर्स में मौजूद सबसे अनयूजुअल स्टार की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनका स्पेक्ट्रम कभी भी कांस्टेंट या रेगुलर नहीं होता, बल्कि अगर इस कैटेगरी के किसी एक स्टार का स्पेक्ट्रम एक्स है तो दूसरे स्टार का स्पेक्ट्रम उससे बिल्कुल ही डिफरेंट यानी कि वाई ही देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि आखिर कोई वुल्फ रायट स्टार किस पर्टिकुलर कलर या स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगा। अब एक चीज जिससे आप इन्हें यूनिवर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है इनकी इंफ्रारेड रीडिंग्स। दोस्तों, इनकी इंफ्रारेड रीडिंग्स बहुत ही ज्यादा लुमिनस और आइडेंटिकल होती है, जो किसी भी और स्टार में देखने को नहीं मिलती। ऊपर से जहां हर एक स्टार के इंफ्रारेड रीडिंग में हाइड्रोजन के अंश मिलते हैं, तो वहीं 99% वुल्फ रायट स्टार हाइड्रोजन जैसे किसी चीज को मानता ही नहीं है। ये अपने कोर में मौजूद बहुत थोड़ी सी हाइड्रोजन को भी आसपास किसी नेबुला की तरफ फेंक देते हैं, जिस वजह से आयोनाइज और हाइड्रोजन के एब्सेंस वाली इंफ्रारेड रीडिंग देखने पर इनकी पहचान कर ली जाती है। अब दोस्तों, वैसे अगर बात आए इंफ्रारेड रीडिंग्स की, तो हम जैसे हर एक एस्ट्रोफिजिक्स एंथुजियास्ट के दिमाग में सिर्फ चार ही अल्फाबेट आते हैं, और वो होते हैं JWST, स्टैंडिंग फॉर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिर इंफ्रारेड कैमरा इंसानों द्वारा इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में अब तक का बनाया गया सबसे पावरफुल कैमरा है, और इसी खासियत की वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स की उन गहराइयों में देख सकता है जहां तक हबल या किसी भी और टेलीस्कोप का जाना बहुत ही मुश्किल था। अब इस चीज को जानने के लिए, जेम्स वेब की इमेज कंपैरिजन को तो आप हमारे साथ कई बार विटनेस कर चुके हो। जेम्स वेब की पहली तस्वीर में कितना गहरा राज छुपा था यह तो आप हमारे फार्देस्ट गैलेक्सी वाले इस वीडियो में देख ही चुके होंगे, जिसके साथ हमने आपको कार्टव्हील गैलेक्सी के बारे में भी बताया था। पर अभी जेम्स वेब की तस्वीरों को खंगालने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जहां इसकी तस्वीरें कुछ और ही चीजों को हाईलाइट कर रही थी, वहीं एक रेडिट यूजर का ध्यान कोने में पड़े इस धुंधले से ऑब्जेक्ट पर गया, और दोस्तों, नासा ने भी इस चीज पर नोटिस नहीं किया था। मगर ये है मानव इतिहास द्वारा कैप्चर की गई किसी वुल्फ रायट स्टार की सबसे क्लियरेस्ट इमेज। अब दोस्तों, ये इतनी साफ भी तब देखने को मिल रही है जब इस टेलीस्कोप का मेन फोकस इस पर था ही नहीं। इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है WR140,
अब दोस्तों आपको ये तस्वीर हल्की धुंधली लग रही होगी और इसमें जो हल्का सा टाइडल और वेवी इफेक्ट आ रहा है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि या तो दूर होने की वजह से हम इसे क्लियरली कैप्चर नहीं कर पाए या फिर ये किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट या इमेज ग्लिच हो सकता है। बट टू योर सरप्राइज यह किसी भी तरह का फॉल्ट या ग्लिच नहीं है, बल्कि इन स्टार्स का स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा ही दिखता है जैसे इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। मतलब अमेजिंग राइट। जब इसी ऑब्जेक्ट को पहले कैप्चर किया गया था तो लोगों को लगा था कि यह महज एक इत्तेफाक है, मगर जब जेम्स वेब के इंफ्रारेड कैमरा में भी यही चीज देखने को मिली तब इसके वास्तविक होने का पता लग सका। अब दोस्तों इसके चारों तरफ इस तरह के शेल्स क्यों बने हैं, इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल रीजंस बताए जा रहे हैं। अब पहला तो ये कि ये अपने चारों तरफ इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि वो एनर्जी और स्टेलर विंड्स जब स्टार के आउटर सरफेस से बाहर की ओर निकलती है तो काफी पावरफुल होती है, लेकिन फिर काफी सालों तक सस्टेन करते करते उनकी एनर्जी डिप्लीट होने लगती है, जिस वजह से जहां पहले शेल की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है तो वहीं दूसरे की उससे कम है, और फिर धीरे धीरे बाकी शेल्स में ये ल्यूमिनोसिटी और कम होती चली गई। अब ये बात थियोरेटिकली पन्नों पर पॉसिबल तो है, लेकिन इस इमेज के केस में ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है कि नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक सिंगल स्टार नेबुला के नजरिए से काफी अनइवन और इररेगुलर है, जो हमें लेकर आता है हमारी सेकेंड थियोरी पर, जो स्टेट करती है कि WR140 कोई सिंगल वुल्फराइट स्टार ना होकर एक बाइनरी वुल्फराइट स्टार सिस्टम है। अब दोस्तों जैसे कि टर्म से ही पता चल रहा है कि जिस तरह से बाइनरी स्टार्स का मतलब होता है वो स्टार्स जो एक दूसरे के साथ किसी पेयर में फंक्शन करते हैं, उसी तरह ये भी वुल्फराइट स्टार का एक ऐसा पेयर होता होगा जो एक दूसरे के आसपास मूवमेंट करता रहता है और इवेंचुअली एक बार एक दूसरे के काफी पास से होकर गुजरता है। अब दोस्तों ये थियरी काफी हद तक इस स्टेटमेंट को सच साबित करती है, जो कि ना सिर्फ इसके ग्लो के अनइवन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर देता है बल्कि इसकी शेल्स की मिस्ट्री को भी एक वैलिड रीजन देता है। अब इस थियरी के हिसाब से WR140 एक वुल्फराइट बाइनरी स्टार सिस्टम है जो हर 7.94 ईयर्स में एक दूसरे के पास से एनकाउंटर करता है, और यही रीजन है कि यह दोनों ऐसे तो नॉर्मली अपना रेगुलर पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन जब हर 7.94 सालों में ये एक दूसरे के काफी पास होते हैं तो बूम, दोनों ही स्टार्स द्वारा एमिट की गई रेडिएशन और स्टेलर विंड्स आपस में इतनी फोर्स से कोलाइड करती है कि जैसे किसी नए तरह के प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण होने जा रहा हो। अब जरा सोचिए कि एनर्जी इन दोनों के पास एनकाउंटर होने पर कई बार इस लेवल तक पहुंच जाती है तो ये स्टार्स असलियत में कितने ही पावरफुल होंगे। अब एक स्टोरी लाइन के तौर पर अगर एक्सप्लेन करें तो जहां इस पेयर के एक स्टार का ऑर्बिट हॉरिजॉन्टल होगा तो वहीं दूसरे का 30 डिग्री पर वर्टिकल, और इसी वजह से जब वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पाथ पर अकेले ट्रैवल करते हैं तो उनकी तरफ से निकलने वाला ग्लोइंग नेबुला कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जो हमें शेल्स के रूप में दिख रहा है। और दोस्तों जब ये दोनों पास में आ जाते हैं तो हमें वो हाई एनर्जी दिखती है जो इस इमेज में सेंटर में नजर आ रही है, और ये एनर्जी लिटरली इतनी ज्यादा है कि तस्वीर को कैप्चर करने वाले कैमरा के लेंस भी चौंधिया गई और ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई कि तस्वीर में उन्हें एक स्टार दिख रहा है या फिर दो। अब दोस्तों वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर सच में ये रिपल्स हकीकत में मौजूद है तो इनकी कंडीशन को देखकर ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये एक्चुअल में 160 साल पहले फॉर्म हुए होंगे, यानी कि अगर सपोज करते हैं कि इस स्टार सिस्टम की उम्र 200 साल है तो ये नेबुला 160 साल पुराना है, जिसका मतलब कि 40 साल की उम्र वाले रिलीज किए हुए इनके नेबुला भी अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग है कि वह भी इतने एविडेंटली नजर आ रहे हैं। मगर यार इन सब के अलावा सबसे ज्यादा एक्साइट करने वाली बात तो ये है कि अभी इस रिसर्च का सिर्फ 40% हिस्सा ही कंप्लीट हुआ है और हमें इसके एनर्जी का अंदाजा इस लेवल तक लग चुका है कि इसके सदियों पुराने नेबुलास 12 शेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली जेम्स वेब के एंगल को इसकी तस्वीर खींचने के लिए सेट कर दे तो हो सकता है कि हमें उसके इंफ्रारेड कैमरा से ना सिर्फ 20 से भी ऊपर शेल्स देखने को मिलेंगे बल्कि उसकी रेडिएशन, आयोनिक स्ट्रक्चर और यह कोई बाइनरी सिस्टम है या नहीं इसके बारे में भी काफी सारी जानकारियां मिल जाएंगी, जो यार अल्टीमेटली यूनिवर्स में हमारे लिए अभी तक के सबसे अनयूजुअल स्टार को पूरी तरह से तो नहीं तो ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडेबल तो बना ही देगी। वैसे क्या आप किसी और ऐसे अनयूजुअल कॉन्सेप्ट को जानते हैं जिसे हमने अभी तक कवर ना किया हो?
अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके बताओ यार। अगर आपका टॉपिक सही रहा तो डेफिनेटली उस पर एक वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों हमारे साथ नॉलेज को फैलाने के एक मिशन में शामिल होकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक JWST और इस तरह के नए चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक ले बाय, जय हिंद।